का जाना माना नाम है। कोणार्क ओएसएच चिन्हारण पनवेल में यह टाउनशिप 3.2 एकड़ में बनाई जा रही है। इस खूबसूरत टाउनशिप में 1 RK 1 BHK 2 BHK फ्लैट के साथ ही कमर्शियल भी है। इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए कोणार्क बिल्डर ने अपने साइट पर अपने चैनल पार्टनर के साथ CP मीट में अपने प्रोजेक्ट के बारे में चैनल पार्टनर को जानकारी दी। चैनल पार्टनर ने बताया यह बहुत ही अच्छा टाउनशिप है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। चैनल पार्टनर का कहना था इस प्रोजेक्ट को बेचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे यहाँ का इनविटेशन एक रियल एस्टेट ग्रुप में मिला, ठीक है। जैसे मैं पनवेल से यहाँ आ रहा था तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि जो रास्ते में हम लोग आ रहे थे कि यहाँ पर इतना बड़ा MBS होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इतना हम लोग ने सोचा नहीं था। हम लोग ने सोचा नॉर्मली 2 या 4 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा, जाके देखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए, जब सर ने हमें बताया कि 115 एकड़ का यहाँ पे लैंड पार्सल और 15 एकड़ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लोग आके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा यहाँ की क्वालिटी। जैसे प्रोजेक्ट की बात करें कि एक मिडल मैन फैमिली को जो चाहिए एक प्रोजेक्ट से, क्या होता है कि उनको एक क्वालिटी चाहिए, एक ब्रांड चाहिए, एक भरोसा चाहिए। तो कोणार्क का नाम सब लोग जानते हैं, तो कोणार्क के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम रेट में इतनी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी और इतने बड़े एमिनिटीज मिलना, ये आज के रेट में नवी मुंबई में पॉसिबल नहीं, इवन तलोजा में पॉसिबल नहीं है। फेज़ 1 फेज़ 2 जो कोणार्क पॉसिबल कर रहा है, तो एक आम आदमी का सपना पूरा हो रहा है कोणार्क के ज़रिए। सर, मैं खुद 3:15 बजे इस प्रोजेक्ट में आया, तो ऑलमोस्ट मैंने 3 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया है, तो मुझे ना कहीं पोल्यूशन दिखा है ना कुछ। उल्टा मैं यहाँ पे ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 5-स्टार रिसोर्ट में घूम रहा हूँ। इसी तरह कंपनी के लोगों ने भी हमसे बात की और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी। सबसे प्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कोणार्क का 3 फेज जो है ये ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें से फेज़ 1 का हमने पोजीशन भी दे दिया है, फेज़ 2 का पोजीशन हम लोग बहुत जल्दी ही देने वाले, फेज़ 3 का जो काम है हमारा वो 80% पूरा हो चुका है। ये तीनों फेजेस के लिए हमें जो हमारे चैनल पार्टनर्स का सपोर्ट मिला है वो बहुत बेहतरीन मिला है। बहुत से चैनल पार्टनर्स हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से हमें बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए मिले हैं, और चैनल पार्टनर्स और कोणार्क ग्रुप ने मिलकर काफ़ी सारे लोगों का घर का सपना पूरा किया है। इस बात की हमें खुशी है कि आज किसी का, बहुत लोग जो होते हैं जिनको महंगे घर नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे लोगों के लिए एक अपना खुद का घर होना चाहिए, ये सपना आज कोणार्क ग्रुप लोगों के लिए पूरा कर रहा है, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अभिमान है। और मेरे चैनल पार्टनर्स जो हमारा सेल्स करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को कोणार्क ग्रुप के बारे में बताकर ये प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करते हैं और उनका घर का सपना पूरा करते हैं, तो चैनल पार्टनर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज तक उन्होंने जो भी काम हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए किया है। और मुझे आशा है कि आज का हम लोग CP मीट देखेंगे तो आज भी जो चैनल पार्टनर्स यहाँ पे उपस्थित थे और जिस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली, और सेशन के लास्ट में हमने पूछा कि क्या प्रतिसाद रहा आपका इस CP मीट के बारे में, तो बहुत सारे चैनल पार्टनर्स बहुत खुश थे और उन्होंने आशा जताई कि आने वाले काल में, नेक्स्ट मंथ में, काफ़ी सारी बुकिंग्स हम लोग हमारे चैनल पार्टनर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, कोणार्क ग्रुप का एक सपना रहा है कि हर किसी को अपना एक सपनों का घर मिल सके। आज की रोज़ हमारा की भागदौड़ में ऐसे सिचुएशन हो जाता है कि लोगों को घर लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो भाव साहब सिंगाड़े जो कोणार्क ग्रुप के चेयरमैन और जो हेड करते हैं, उनका ये सपना रहा है कि सबको अपना खुद का एक घर मिल सके जो अफोर्डेबल रहे, तो उस हिसाब से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट का रिस्पांस इतना अच्छा रहा है आज तक
कि हमने चार फेज़ लॉन्च किए हैं, उसके अंदर से तीनों फेज़ सोल्ड आउट हो चुके हैं। हमारा फोर्थ फेज़ जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, उसके अंदर भी 350 यूनिट्स में से हमारे पास सिर्फ 150 यूनिट्स बचे हैं, और वो भी मुझे लगता है आज की जो सीपी मीट का जो नतीजा होगा तो उसके अंदर जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी, जल्द से जल्द बिक जाएगी, और उसके साथ मुझे फिर नेक्स्ट जो मेरा नया फेज़ है उसे लॉन्च करना पड़ेगा। मैं अभी बताना चाहूँगा जो हमारा कॉस्टिंग होता है 1 आर के, 1 BHK, 2 BHK, इसका 17 लाख से चालू होता है, और 2 BHK का जो सबसे बड़ा कारपेट है वो जाता है 40 लाख तक। अभी आप बोलोगे कि इसके अंदर ये आप जो प्राइसिंग बता रहे हो किस चीज़ की है, तो इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ गई, स्टैम्प ड्यूटी आ गई, रजिस्ट्रेशन आ गया, GST आ गया, फ्लैट कॉस्ट आ गया, सारी चीज़ें इंक्लूसिव है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को कार पार्किंग, तो हम लोग कार पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो इस हिसाब से भाव साहब सिंगाड़े जी ने ये कोशिश की है कि कम से कम प्राइसिंग में लोगों को अच्छे से अच्छे घर मिल सके, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिल सके। हमारे हर एक जो विंग देख रहे हो आप, उसके अंदर आपको हर एक विंग में आपको अलग से लिफ्ट दी गई है। प्लस अगर आप देखोगे तो इतनी ओपन स्पेसेस कोई प्रोजेक्ट में आजकल दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग उनको परवर्ती नहीं है। तो ये सिचुएशन में हम लोगों ने ऐसे किया है कि ये कोशिश रही है कि कस्टमर्स को उनका जो सपनों का घर है वो भी मिल सके, और अच्छी ज़िंदगी भी जी सके, और उनको प्राइसिंग भी है वो प्रॉपरली मिल सके। सर, हमारे यहाँ पे सारे नेशनलाइज्ड बैंक, सारे NBFC, सारे बैंक्स की तरफ से APF है, तो वो हर कोई बैंक, उनके खुद के बैंक के पास भी अगर वो चले जाए डायरेक्टली जाके वो इंक्वायरी कर ले, तो हमारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स उनको वहीं पे भी मिल जाएंगे, और सारे बैंक से हम अगर वो चाहते हैं कि हम करा के देते तो हम भी करा के दे देते हैं जी। अभी आप देखोगे तो ये नवी मुंबई से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, और 25 मिनट बोलेंगे तो आज की सिचुएशन में आप कहीं पे भी जाओ, बॉम्बे में कहीं पे भी जाओ, तो आपको 1 से 1.5 घंटा कहीं पे भी आने जाने के लिए लग जाता है। वैसे यहाँ पे आप हमारे प्रोजेक्ट से आप वाशी जाना चाहो या पनवेल जाना चाहो तो आपको 20 से 25 मिनट में आप पहुँच जाते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़।